नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता कैथल ब्रेकिंग टीवी से। आज 19 मार्च के दिन डिप्टी कमिश्नर कैथल सुजान सिंह यादव ने गणपति अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की शुरुआत की, यानी कि अब आम जनता को जो 45 साल से ऊपर हैं, जिनको कोई ना कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज़ या कोई कार्डियक की प्रॉब्लम है, या फिर 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों को अब प्राइवेट अस्पताल गणपति अस्पताल में भी कोरोना वैक्सीन लगेगी। और आज इसकी शुरुआत यहां पर डीसी यानी उपायुक्त कैथल सुजान सिंह यादव ने की। आइए जानते हैं डीसी सुजान सिंह यादव से और डॉक्टर राजेश गोयल से कि किस प्रकार के इंतज़ाम यहां पर हैं और किस प्रकार के लोगों को यहां पर किस प्रकार से कोरोना वैक्सीन लगेगी। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश गोयल, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और साथ में यहाँ के वरिष्ठ डॉक्टर हैं। उनसे आपके भ्रमों को दूर करने की कोशिश करेंगे जो आम जनता में इस समय है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जवाब जानना चाहूँगा कि कौन सी वैक्सीन हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, कोवैक्सीन या कोविशील्ड? हम अभी जो कैथल में है, जो मेरे हॉस्पिटल में कोविशील्ड वैक्सीन यूज़ हो रही है, हम भी, हमारे पास ये चॉइस नहीं है कि हम कोवैक्सीन लगाएंगे या कोविशील्ड। मेरे हिसाब से जो मेडिकली मैंने पढ़ा है और देखा है, दोनों ही वैक्सीन सेफ़ हैं। गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से जो वैक्सीन गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है वही वैक्सीन की वैक्सीनेशन होती है। जी सर, किन लोगों को ये टीकाकरण अभी हो रहा है? क्या सभी लोग 0 से लेके एडल्ट्स जो है लगवा सकते हैं? कौन लोग लगवा सकते हैं? ये अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से 60 ईयर्स एंड अबव एज के जो लोग हैं उनको लगना है वैक्सीन, और 45 टू 59 ईयर्स ऑफ एज जिनको कोई बीमारी है, को मॉर्बिडिटी है, वो अपना प्रमाण पत्र लगाएं और वो भी लगा सकते हैं। जी सर, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? मीन्स अपने घर में जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो कैसे आपके हॉस्पिटल तक पहुंचे, क्या कागजात लेकर आएँ और उसका पूरा प्रोसेस क्या है यहाँ पर आने के बाद? अभी ये प्रोसेस तो बड़ा सिंपल किया हुआ है गवर्नमेंट ने, इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं covaxin.gov.in साइट के ऊपर। मगर अगर आपके पास वो सुविधा नहीं है तो हमारे यहाँ वॉक इन वैक्सीनेशन भी उपलब्ध है। आप आइए, हमारे से कॉन्टैक्ट कीजिए, अपना टाइम स्लॉट फिक्स कीजिए और वैक्सीनेशन लीजिए। इसके लिए आपको एक अपना आधार कार्ड लेके आना है और एक अल्टरनेटिव आई कार्ड भी लेके आना है, क्योंकि बहुत लोगों का आधार कार्ड में कोई मिसमैच होता है तो वो ओटीपी नहीं जनरेट करता है। तो इसके लिए एक तो मोबाइल होना चाहिए जिसके आधार के साथ अटैच्ड है, उनका उसमें ओटीपी आएगा, वो आवश्यकता है। यदि सर किसी का आधार नंबर जैसे जब बनवाया था उन्होंने तो मोबाइल नंबर अब नहीं है उनके पास, तो क्या ऐसे लोग क्या वंचित रह जाएंगे? बिना ओटीपी वालों को नहीं लग पाएगा? उसके लिए फिर ऑल्टरनेटिव है, उसके लिए सरकार ने पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या कोई दूसरा फोटो आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी चल जाता है, मगर ओटीपी उसके मोबाइल फ़ोन पे ही आता है। जी सर, जैसे आपने बताया कि 45 साल से जो अधिक आयु के लोग हैं उनको कोई कोमॉर्बिडिटी हो तो उसको ये टीकाकरण लग रहा है, तो कौन से कागजात वो लेकर आए कि उसे साबित करना पड़े कि मुझे कोमॉर्बिडिटी है? सरकारी कागज़ या कौन से? नहीं, कोई सरकारी कागज़ नहीं है उसका। कहीं पर भी किसी भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है उसकी प्रिस्क्रिप्शन ले आए, उसको अपलोड होना है सरकार की साइट के ऊपर और उसी टाइम उसको वैक्सीन लग जाना है। सर कितनी देर का प्रोसेस है ये पूरा? ये पूरा प्रोसेस 5 मिनट का है, रजिस्ट्रेशन होना, वेरीफाई होना, वैक्सीनेशन लगना, अगर सारे कागज़ पूरे हैं। उसके बाद आधे घंटे के लिए उनको एज अ प्रोटोकॉल ऑब्जर्वेशन में रखना है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो अपने घर जा सकते हैं। उसके बाद अगर किसी को थोड़ा बहुत बुखार, दर्द होता है, जो एक नॉर्मल प्रक्रिया है वैक्सीनेशन की, उसके लिए एक सिंपल गोली ले लेंगे पैरासीटामोल की और ठीक हो जाएंगे। ऐसा कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट अभी तक इंडिया में नज़र नहीं आया। सर कितने डोजेज लेने हैं इसके वैक्सीन के, मतलब एक पेशेंट को कितने अंतराल पर कितने डोज लेने हैं? इसके लिए 2 वैक्सीन्स की डोजेज लेनी है, 2 जैब्स लेने हैं और अंतराल 28 डेज है, 29 डे पे, जैसे एक आज करेंगे तो उसके 29 डे पे फिर दूसरा वैक्सीन ले सकते हैं। और कोई व्यक्ति उसी दिन नहीं आ सकता तो पहले नहीं, मगर कोई 2 दिन बाद भी आ सकता है, 3 दिन भी आ सकता है, अदरवाइज भी 29 डे पे लगना है। जी सर, जैसे आपने बताया कि 2 जैब्स लगने हैं इसके, 2 बार लगनी है ये एक मरीज को, यदि सर पहले किसी मरीज ने कोवैक्सीन लिया हुआ है, सपोज कीजिए वैक्सीन, और आपके पास कोविशील्ड उपलब्ध है, तो क्या दोनों वेरिएंट सेम है या दोनों एक ही वैक्सीन के लगने? ये बिल्कुल सिंपल है, ये सबको पता होना चाहिए। जो कोवैक्सीन उनको किसी को लगी है, जो वैक्सीन पहले लगी है वही सेकेंड डोज लगनी है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है, क्रॉस रिएक्शंस हो सकते हैं।
तो हमेशा ऐसा ही होगा। अगर हमारे पास किसी ने पहला वैक्सीन लगवाया है तो कोवाशील्ड लगाया है या कोवैक्सीन लगवाया है, जब वो सेकेंड डोज लगवाने आएंगे तो वही डोज उसको मिलेगी। तो सर जैसे मान लो मरीज को तो नहीं पता होता कि उसे पहले कौन सी वैक्सीन लगी है, तो वो सर जैसे ही आप उसका आधार नंबर या उसका आईडी प्रूफ डालेंगे तो क्या डॉक्टर को पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा उसे पहले कौन सी वैक्सीन? ये हमें भी पता चल जाएगा, हमें तो पता ही है, मगर जो मरीज है उसके पास भी जब उसको वैक्सीन लग जाती है उसी के एक मैसेज आता है, उसमें ये सब लिखा होता है कि आपको कोवाशील्ड लगी है या कोवैक्सीन लगा है, तुरंत उसके पास मैसेज आ जाता सर, है। एस्ट्राजेनिका वैक्सीन जो विदेशों में चल रही है उस पर काफ़ी गंभीर सवाल उठे हैं, क्या कोवैक्सीन और कोविशील्ड उससे बेहतर विकल्प है क्या? नहीं, ये देखिए, हम अपने सरकमस्टांसिस, अपनी कंट्री के बारे में बात कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा स्पेन में, इराक में, यूएस में कोरोना से बहुत डेथ हुई हैं, मगर हमारे देश में बहुत बचाव रहा है, हमारी इनेट इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, इसीलिए कोई ये वैक्सीन के लिए कहीं रिएक्शन आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, वो विदेश में आ रही है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर है, उनका जेनेटिक मेकअप है, मगर हिंदुस्तान में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखी गई है, ये बिल्कुल सेफ़ है और कोई रिएक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर हमारे अस्पताल में वैक्सीन तो उपलब्ध हो गई है, लगाई भी जा रही है, तो यदि कोई गंभीर परिस्थिति उत्पन्न होती है, एलर्जिक रिएक्शन या कुछ और, तो उससे निपटने के सारे इंतजाम हमारे पास हैं? वो प्रोटोकॉल है, वो सब हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होते हैं, हमारे में भी अवेलेबल हैं, और भगवान करे, यही दुआ करते हैं सब सलामत रहें, कोई कहीं पर रिएक्शन देखा नहीं गया। अगर कोई एक किसी को रिएक्शन हो जाता है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, कोई ऐसा नहीं है कि ये वैक्सीन से हो गया है। अब आप सड़क पे चलते हैं, हजारों गाड़ियां जाती हैं, कोई एक आधी दुर्घटना हो जाती है तो वो आप उसको ये नहीं लेंगे कि गाड़ियां नहीं चलनी हैं, तो वैक्सीन इज़ टोटली सेफ, और हजारों लाखों करोड़ों वैक्सीन की डोजेज लग चुकी है, अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया, तो अगर एक को किसी को रिएक्शन आगे भी गया है तो इसको इतना हाईलाइट ना कीजिए कि वो ऐसा हो जाए लोग एकदम घबरा जाएं और करोड़ों के करोड़ों लोग पीछे हट जाएं। सर हमारे देश में, हमारे ज़िले में हर तरह के फाइनेंशियल कंडीशन वाले लोग हैं, कितने चार्जेस हैं इस वैक्सीन के? इसके हमारे जो सेटअप में है, गवर्नमेंट ने 250 रुपये फिक्स किया है, वो 250 रुपये हमें नहीं लेना है, वो वैक्सीन लेने के लिए हमें गवर्नमेंट के खाते के अंदर पहले जमा करवाने हैं और उसके बाद वो रिलीज़ होगी और उसके बाद ये हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट सेटअप में जाएगा तो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगी, तो कुछ व्यक्ति होते हैं जो चाहते हैं कि वो थोड़े प्राइवेट सेटअप में जाएं, हमारा सिस्टम है, चीज़ है, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो वो लोग पे कर सकते हैं, तो वो ज़रूर आइए, 250 रुपये गवर्नमेंट के खाते में जमा होना है और हमारी सेवा है वो हम देते रहे। सर आयुष्मान कार्ड में कवर है क्या, कोई आयुष्मान कार्ड लेके आए तो उसको पैसे देने होंगे? ये मुझे अभी इसका विशेष पता नहीं है, आयुष्मान कार्ड में अगर कोई लेके आता है मेरे हिसाब से तो फ्री होना चाहिए, और वो गवर्नमेंट में वैसे भी फ्री लग रही है, हर किसी को लग रही है, कोई आयुष्मान कार्ड के बिना भी जाता है तब भी फ्री लगती है, मगर जो हमें यहाँ अवेलेबल है वो वैक्सीन वो पेड ही है, गवर्नमेंट ही हमें पेड दे रही है तो वो पेड ही लगेगी। सर कई तरह की सिंड्रोम्स, डायबिटीज़ या हार्ट प्रॉब्लम्स यंग एज वाले बच्चों को भी है, जैसे जुवेनाइल डायबिटीज़ है और कुछ, तो क्या उनके लिए विशेष सुविधा है कोई? नहीं, अभी वो गवर्नमेंट ने एज नहीं खोली है, जब गवर्नमेंट की जैसे ही ये सुविधा उपलब्ध होगी कि 45 से बिलो भी ये शुरू की जाए या ओपन सबके लिए की जाए तब हम लगा सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश गोयल। तो ये थे हमारे साथ गणपति अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर और वरिष्ठ डॉक्टर डॉक्टर राजेश गोयल, जिन्होंने पूरी कोशिश की आप यानी कैथल की जनता के सारे डाउट्स क्लियर करने की, कि किस प्रकार से कोविड की वैक्सीन प्राइवेट अस्पताल में लग रही है, क्या उसके इंतजाम है, क्या उसकी प्रोसेस है और क्या उसके नियम और कानून है। देखिए हमारे जिले में 31 सेंटर्स हैं जो काम कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, इसमें 9 प्राइवेट हैं और जो बाकी हैं पीएचसी सीएचसीज हैं हमारी, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो एम्पैनल्ड हैं आयुष्मान में, उनको ऑथराइज किया हुआ वैक्सीनेशन के लिए। तो आज यहाँ गणपति हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा था तो मुझे पता लगा 10 के करीब लोग आए हुए हैं, क्योंकि वायल में जब 10 लोग हो जाते हैं तभी करना चाहिए ताकि वेस्टेज से हमें बचना चाहिए, वैक्सीन वेस्ट ना हो। आशा करते हैं आपको ये हमारी पेशकश पसंद आई होगी। इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने के लिए, पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर का बटन दबाइए। ये थी खास पेशकश कैथल ब्रेकिंग टीवी की, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता अपने सहयोगी कैमरामैन सुरेंद्र कुमार के साथ।